Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you will be all fine. Student, now we are going to do our Urdu. So hurriedly open your books and come to page number 30. ठीक है? Page number 30 पे देखें. Again आपका writing task आ रहा है. लेकिन आज आपने जो राइटिंग टास्क है वो आपने बुक पे नहीं अपनी नोटबुक पे करना है. सो हरीली ओपन योर नोटबुक्स, राइट डेट एंड डे. उनवान लिखें अपना. उनवान आपका आ जाएगा हादसा. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे इरफान और जोहेब स्कूल कैसे जाते थे. इरफान और आप इसका आंसर लिखेंगे इरफान और जोहेब स्कूल पैदल जाते थे. ठीक है, इरफान ये देखें जी, दोनों कभी साइकिल और कभी पैदल. आपने लिखना है इरफान और सहेल क्या था, सॉरी जोहेब, इरफान और जोहेब साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते थे. ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप इरफान और जोहेब साइकिल और कभी पैदल स्कूल जाते थे. डन. मैं नोटबुक पे इसलिए नहीं लिख रही कि बहुत इजी वर्ड है और बुक से भी आप इसे देख के लिख सकेंगे. इरफान और जोहेब कभी साइकिल और कभी पैदल स्कूल जाते थे. कैसे को रेज करके आपने लिखना है इरफान और जोहेब कभी साइकिल और कभी पैदल स्कूल जाते थे. डन. नेक्स्ट, आप स्कूल कैसे जाते हैं, इसका तो आंसर बच्चों आपने मुझे खुद लिखना है. आपने लिखना है मैं अपने बाबा के साथ गाड़ी पर स्कूल जाता हूँ, या मैं रिक्शा ड्राइवर के साथ स्कूल जाता हूँ. ठीक है, या मैं अपने बाबा के साथ मोटर बाइक पर स्कूल जाता हूँ. ये आपने जो भी जैसे आप आते हैं आपने वैसे लिखना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें. आपके ख्याल में इरफान और जोहेब किस तरह के लड़के थे. अपने अल्फाज में लिखिए और अपने जवाब की वजाहत की भी मिसाल से लिखिए. देखें आपने लिखना है अपने अल्फाज में, तो मैं आपको जस्ट गाइडलाइन देती हूँ, लेकिन आपने इससे अपने वर्ड्स भी चेंज भी कर सकते हैं. कोई आपको गलत नहीं कह सकता क्योंकि आपकी वर्डिंग होगी. एक एक एग्जाम्पल देखें, लिखी भी मिसाल वजाहत. मेरे ख्याल में इरफान ऐसा लड़का था क्योंकि उसने, इसका मतलब कि पहले आपने इरफान के बारे में बताना है, उसके बाद आपने जोहेब के बारे में. पहले आप सबसे पहले लिखना मेरे ख्याल में इरफान बहुत मुहिम जो इंसान था, लड़का था, क्योंकि उसने वो जो था पटरी पर, क्योंकि वो रोज़ाना उसने की जगह आप कह लें मेरे ख्याल में इरफान बहुत मुहिम जो इंसान लड़का था क्योंकि वो रोज़ाना कुछ नया करता था. ये होगा इरफान का. उसके बाद जोहेब में लिखें मेरे ख्याल में जोहेब बहुत समझदार बच्चा था क्योंकि वो बहुत क्योंकि वो इरफान को छोटी छोटी बातें समझाता रहता था. ये होगा मेरे ख्याल में. आपने अपने ख्याल में बताना है कि आपको कैसा लगा. ठीक है, आज अपने स्टूडेंट जस्ट 1, 2 और 3 क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह ये 2 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.